अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। रविवार का मेरठ बंद स्थगित हो गया। लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों ने इससे राहत की सांस ली और बंद की घोषणा करने वाले संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित ने भी। यह स्थगन उस आश्वासन पर ही किया गया जो भागमल ज्वेलर्स लूट व हत्याकांड के तुरंत बाद ही पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने दिया था। इसमें कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन देर रात बंद स्थगित कर दिया गया। इससे पहले व्यापारियों की राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए संयुक्त व्यापार संघ के दोनों ही गुट देर रात तक बंद की सफलता व विफलता की कोशिश में जी जान से लगे हुए थे। यह बंद निर्वाचित पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा व साख के लिए बेहद आवश्यक था। साफ हो गया था कि यदि यह बंद विफल हो गया तो नवीन गुप्ता गुट की रही सही साख भी खत्म हो जाएगी। विफलता के संकेत भी तभी से मिलने शुरू हो गए थे जब संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता व महामंत्री अजय जैन ने मेरठ बंद की घोषणा की थी। शहर के विभिन्न हिस्सों से यह आवाज आने लगी थी कि बंद का निर्णय सभी बाजारों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद लिया जाए, चंद पदाधिकारी बंद का एक तरफा फैसला नहीं लेंगे। दरअसल बीती 8 सितंबर को मेरठ के जागृति विहार स्थित भागमल ज्वेलर्स के शोरूम को 4 बदमाशों ने लूट लिया था। लूट का विरोध व पहचान करने की बात कहे जाने पर बदमाशों ने सर्राफ पुत्र अमन जैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाश वहां से 10 लाख रुपए व 5 किलो चांदी ले गए थे। लूट व इस हत्याकांड के खुलासे का दबाव पुलिस पर बन गया था, लेकिन शोक सभा के बाद सफेद कुर्ते की चमक इस दबाव पर भारी पड़ गई। राजनीति में अपनी खोई पहचान पाने के लिए सपा इसमें कूद गई तो भाजपा की मौजूदगी भी मजबूरी बन गई। यह बात दीगर रही कि परिवार का झुकाव सपा नेता अतुल प्रधान की तरफ ज्यादा रहा और यही कारण रहा कि वहां दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तमाम बेइज्जती व खरी खरी सुनने के बाद भी टिके रहे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल से पिता ने यहां तक पूछ लिया कि आप अब आए हैं। राजनीति हावी थी, लिहाजा संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित अध्यक्ष नवीन गुप्ता व महामंत्री ने शनिवार तक घटना का खुलासा न होने पर रविवार को मेरठ बंद की घोषणा कर अपने प्रतिद्वंदियों के सामने लंबी लाइन खींच दी। वह भी तब जबकि पुलिस अफसर व एडीएम सिटी बराबर यह आश्वासन दे रहे थे कि पुलिस बदमाशों के बेहद करीब तक पहुंच गई है और जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। संयुक्त व्यापार संघ अजय गुप्ता के सामने निर्वाचित की यह घोषणा एक बार की परेशानी पैदा करने वाली थी, लेकिन तुरंत ही इसकी काट निकाल ली गई। रविवार से पहले ही शनिवार को जागृति विहार व शास्त्री नगर बंद की घोषणा कर दी गई। यहां से अब सबका ध्यान पीड़ित परिवार से हटकर संयुक्त व्यापार संघ की राजनीति पर आकर टिक गया था। शनिवार को दोनों इलाकों के बाजार बंद हुए, लेकिन नवीन गुट से जुड़े सेंट्रल मार्केट की कुछ दुकानें नहीं। यहां बंद कराने को लेकर दोनों गुटों में टकराव हुआ, लात घूंसे भी चले, एक दूसरे को देख लेने व भुगत लेने की धमकियां दी गई। नौचंदी थानेदार आशुतोष भी इस दौरान अजय गुप्ता गुट के निशाने पर रहे। बता दें कि आशुतोष लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में जागृति विहार शास्त्री नगर व्यापार संघ के महामंत्री व भाजपा के कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल के भतीजे जितेंद्र को जीप में डालकर ले गए थे। जितेंद्र अग्रवाल की कैलाश डेयरी पूरे लॉकडाउन के दौरान खुली रही, लेकिन उस रोज इसे पहली बार बंद करा दिया गया। आरोप लगे कि थानेदार आशुतोष ने ऐसा सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष किशोर वाधवा व महामंत्री विनोद साहिल के कहने पर किया है। किया अथवा नहीं किया यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन शनिवार की घटना के दौरान थानेदार आशुतोष जरूर पार्टी बनते नजर आए। थानेदार पर सीधे आरोप लगे कि वह दुकान खुलवा रहे थे। आइए इस माहौल की एक वीडियो देखते हैं जिसमें व्यापारी नेता नीरज त्यागी पूरे तेवर से नजर आ रहे हैं। हम लोग कुछ दिन गए थे डीजी साहब का और इनके खाली ब्लिक कर देखा हुक्का मार के लिए, इन्होंने चौकिंग चार्ज में गोली में चढ़ा दिया। ये समझ रहे हैं कि ये बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचने देने के, किसी भी हालत में नहीं बचने देने के। अरे ये बैठ जाते भाजपा इनके खिलाफ, कुछ ही गलत समय में आ रहे हैं। ये सोचेंगे यहाँ धमका धमका ये 10-20 दुकानदार कुछ कर लेंगे,
व्यावसायिक व्यापार सिंह अध्यक्ष और संरक्षक खड़े यहाँ पे मेरे बहुत खाना खा लिया और बहुत काम कर लिए, रोज रात को जो होता है होटल में दिखाई देता है सबको। अरे षड्यंत्र फेल हो गए, मिल के भैया खोलो खोलो खोलो, कह कह के खुलवाने को पता चलता है क्या होता रात में। उधर देर रात तक शहर के अधिकांश बड़े बाजारों के पदाधिकारियों ने यह घोषणा पत्र जारी कर दिए कि वह रविवार को होने वाले बंद में शामिल नहीं है। निर्वाचित संघ के पदाधिकारियों के सामने भी दुविधा थी कि वह अध्यक्ष व महामंत्री के बंद को कैसे सफल करा दें। दरअसल व्यापारियों का एक मत यह भी था कि लॉकडाउन के बाद यह पहला रविवार था जब दुकानें खुली हैं। बीती रात व्हाट्सएप पर यह संदेश भी डाले जाते रहे कि यह बंद सरकार के खिलाफ है, लिहाजा बंद न किया जाए। इसका असर यह हुआ कि अधिकांश बाजारों के पदाधिकारियों ने बंद में शामिल न होने की घोषणा कर दी। चंद बाजार ही थे जो बंद में शामिल होने की बात कर रहे थे। इसके अलावा सूरजकुंड, खंदक, केसरगंज, मंडी ऐसे बाजार हैं जहां रविवार को अवकाश रहता ही है। संयुक्त व्यापार संघ ने रविवार का बंद बुलाकर लंबी लाइन खींचने की कोशिश तो की, लेकिन इसे उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिल पाया। बाजारों के अलावा पेट्रोल पंप आदि का समर्थन भी नवीन गुप्ता नहीं जुटा पाए। यह सांप छछूंदर जैसे हालात थे। संघ पदाधिकारियों को लग गया था कि बंद यदि विफल हो गया तो रही सही इज्जत भी धूमिल हो जाएगी, लिहाजा इसे स्थगित कर इज्जत बचाने का काम किया गया। व्यापारी नेता मुकुल सिंघल ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि कहीं यह सौदा तो नहीं, तो मुझे क्लीन चिट दो, मैं बंद वापस ले लूंगा। इशारा कुख्यात बदन सिंह बद्दो फरारी प्रकरण में मुकुट महल के मालिक को बचाने की तरफ था। दरअसल मुकुट महल के मालिक के भाई ने आरोप लगाया था कि नवीन गुप्ता ने भाई का नाम निकलवाने के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। यह रकम एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह के नाम पर ली गई थी। इस मामले की जांच अभी लंबित है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।